सो ही नमस्कार दोस्तों, फिर से तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए और एक्साइटिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई कार्ड के बारे में, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, टोटल ए टू जेड सभी डिटेल्स है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल और सिंपल फॉरवर्ड है। आपको बस रैप को खोलना है, उसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा, सफ़ेद सादा एक बॉक्स, उसको आपको खोलना है। उसके अंदर आपको मिलेगा एक सीडी, एक मैनुअल और एक आपको वाईफाई कार्ड, जिसके साथ आपको एंटीना मिल जाता है और ये काफ़ी स्मॉल है। आप पीसीआई एक्सप्रेस में लगा सकते हो, अपना जो स्मॉल वाला पीसीआई एक्सप्रेस होता है वो उसमें लगा सकते हो। और बाकी एक छोटा माउंट मिल जाता है ताकि आप जैसे जो छोटा मिनी कैबिनेट्स होते हैं उन सब में भी आप लगा सकते हो ईजिली। और बस और कुछ नहीं इसके अंदर, बस और फटाफट से देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस, मुझे इस कार्ड के बारे में काफ़ी अच्छा लगा कि आप किसी भी डायरेक्शन पर अपने एंटीना को रख सकते हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप एंटीना का मतलब एंटीना बिना लगाए यूज़ मत करना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और आप एंटीना लगा के इसे यूज़ करना। और साथ ही साथ इसमें आपको एक एलईडी बल्ब मिल जाता है जिससे नोटिफिकेशन एलईडी है, आप समझ सकते हो कि आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। बस सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको अपना कैबिनेट खोलना है और देख सकते हो मेरा केबल मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। और फ्लैश ज़्यादा मार रहा है यार, वो काफ़ी बुरा लग रहा है मुझको, तो देख सकते हो केबल मैनेजमेंट मेरा काफ़ी बढ़िया है। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, आपका जितना अच्छा केबल मैनेजमेंट होगा उतना आपका कूलिंग बेटर होगा, क्योंकि सामने अगर तार वार होगा तो वो मतलब एक ऑब्स्टिकल बन जाता है कूलिंग के मामले में, तो केबल मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। बस आपका जो पीसीआई एक्सप्रेस पुराने वाला मॉडल भी मिलता था, अभी का जितने भी लेटेस्ट मॉडल बोर्ड पीसीआई एक्सप्रेस के साथ आते हैं, तो पीसीआई एक्सप्रेस में मैंने इंस्टॉल कर दिया और काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस प्लग एंड प्ले नहीं है, बस आपको बस इंस्टॉल करना, उसके बाद ड्राइवर इंस्टॉल करना तो करना पड़ेगा। स्क्रू से आपको टाइट कर देना है माउंट को और बस हो गया आपका, और तो कुछ नहीं है। और आपका जो माउंट है वो काफ़ी मतलब जो कार्ड है वो काफ़ी टाइट होकर फिटिंग हो चुका है, देख सकते हो काफ़ी हार्ड है। और मैं टिपलिंग का इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है इन द फील्ड ऑफ मतलब वाईफाई जो मैन्युफैक्चर है, और क्या बोलते हैं जो वाईफाई कार्ड्स और फिर या फिर वाईफाई एडेप्टर्स बनाते हैं उसमें काफ़ी एक रिनाउंड ब्रांड है। और बस और कुछ नहीं, आपका पीछे में आपको एंटीना लगा देना है, वही सिंपल सा चीज़ है, बस घुमाते रहो और हो जाएगा आपका एंटीना फिक्स्ड। आपको एक सर्टेन एंगल पे रखना है तो समझ सकते हो, और मैं जितना रिकमेंड करूँगा पीछे का मेरा केबल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं, बस समझ सकते हो यार, तुम लोग समझदार हो, मेरे वीडियोस देखते हो तुम लोग। और बस आपको बूट करना है, आप कैबिनेट का ढक्कन खोल के एक बार बूट कर लो, पोस्ट बोलते हैं जिसे, पोस्ट एक बार कर लो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और उसके बाद आप समझ सकते हो मेरा बूट हो चुका है। अब क्लिक किया और मैंने अभी मैं डायरेक्टली पासवर्ड क्लिक करूँगा वगैरह वगैरह जो होता है, बस अपना कैबिनेट का ढक्कन को लगा दिया और बस हो गया अपना। उसके बाद हम लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, हम लोग अपना ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, तो ड्राइवर का प्रोसेस देख लो। यहाँ पे मैं ड्राइवर बूस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, आप क्रोम में जाके सर्च करो ड्राइवर बूस्टर IOBT, आपको मिल जाएगा, फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो, फ्री वर्जन में आपको सब कुछ मिल जाता है। ये जस्ट आपको डाउनलोड करने के बाद स्कैन बोलेगा, आप स्कैन कर लो, आपके जितने भी ड्राइवर्स है पीसी में, जितने भी हार्डवेयर के ड्राइवर्स चाहिए आपको सब मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप अपडेट करते हो तो कुछ ड्राइवर्स होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक आप बाय करने से आपको मिलेगा, तो उतना कोई मैटर नहीं करता, आप सिंपली फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, बट आप रिकमेंड करूँगा कि आप बाय कर सकते हो अगर पसंद आता है। तो बस मुझे ड्राइवर मिल गया, देख सकते हो PCI LAN अडेप्टर, बस LAN अडेप्टर में क्लिक किया और बस बूम, हम लोग का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और तो कंप्लीट, और तो कुछ चाहिए नहीं है, हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद रीस्टार्ट होगा, अभी जो रीस्टार्ट के लिए बोल रहे हैं आपको रीस्टार्ट करना है अपने PC को, रीस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद देख सकते हो वहाँ पे वाईफाई का आ जाएगा, तो फिलहाल के आ जाने दो। सो गाइस, देख सकते हो आप रिफ्रेश एक बार कर लो यार, जो कि रिकमेंडेड है, देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई आ चुका है मेरा रियल मी 2 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने PC के साथ, और बस हो गया बूम, आपका वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट हो चुका अपने PC से। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है और मुझे काफ़ी सही लगा यार, जो मैं USB टुगेदरिंग जो करता था मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा यार, तार वार का झंझट नहीं है, बिंदास आपको एक कार्ड इंस्टॉल करो। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप अगर एक अच्छा लेते हो वाईफाई कार्ड तो आपको एक वाईफाई अडेप्टर से अच्छा एक आपको बैंडविड्थ मिलता है और अच्छा एक नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। मैं इसमें PUBG आपका मिनिमम, मेरे पहले डाटा केबल से मैं जैसे USB टुगेदरिंग करता था मुझे आपका अराउंड 124 मिलता था पिंग, और अभी इसको लगाने के बाद 105 पिंग मिल रहा है, तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। अभी क्यों हो रहा है ये मुझे पता नहीं, बट मुझे कार्ड काफ़ी बेहतर लगा। और जाके सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को यार, सपोर्ट हो जाएगा, तुम लोग प्यार दिखा दो बस।
सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ मैंने ड्राइवर बूस्टर का यूज़ किया ड्राइवर को अपडेट करने के लिए, क्योंकि जो सीडी के साथ आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर होने के बाद बहुत सारे ड्राइवर का अपडेट्स आता है, तो आप सीडी का यूज़ मत करो, आप डायरेक्टली ड्राइवर बूस्टर डाउनलोड करो, फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हो। मैं फिलहाल खुद ही फ्री यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्री सॉफ्टवेयर में आपको इसका लेटेस्ट ड्राइवर मिल जाएगा। आपका जो डिवाइस में आपके जितने भी हार्डवेयर के जितने भी ड्राइवर्स हैं आपको सब लेटेस्ट ड्राइवर्स मिल जाएगा, आपको बस इंटरनेट होना चाहिए। तो मैंने इंटरनेट से ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया और ये ऑसम चल रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, जो इंटरनेट का जो स्पीड है मुझे बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। और वीडियो काफ़ी लंबा जाए तो वरना मैं और डिटेल में बना रहा होता। अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, सो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि खाली पड़ा है, कमेंट कर दो, कमेंट से भर दो यार, अच्छे कमेंट देना यार, गाली वाली मत देना, ठीक है बस। और मिलते किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में, टिल द माई अंडरस्टैंड कीप इनोवेटिंग न्यू थिंग्स। और गाइस एक चीज़ ज़्यादा ज़्यादा बोलते हो यार, छोटा भाई समझ के या फिर अपना दोस्त समझ के यार एक फैमिली का मेंबर बन जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के साइड में घंटा है उसको घंटा को बचा दो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक चीज़ बात बोलते हो, ये काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक प्यार दिखाते हुए एक लाइक दे देना बस। और अगर आपको लगता है कि ये दूसरे के लिए वैल्यूएबल वीडियो है तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। तो टिल देन बाय, हैव अ नाइस एंड कीप अपडेटिंग न्यू थिंग्स। बाय बाय।